आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड सेकंड फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये दो चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। इसमें फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर में थे स्पीड, टायरलेस, एक्यूरेसी, रिपीटेवनेस, स्टोरेज, वेरिसिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर्स, उसमें फर्स्ट है एडवांटेज कितने हैं कंप्यूटर पे, 4 ग्रेट एफिशिएंसी, बेटर सर्विस, एजुकेशन एंड फोर्थ है एंटरटेनमेंट के लिए। तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेट एफिशिएंसी। कंप्यूटर्स हेल्प पीपल डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल इन अ ऑफिस कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स, कीप रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ऑल द वर्क इज डन एक्यूरेटली इन अ शॉर्ट टाइम। तो अब कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में हम लोग एकदम अच्छे से काम कर सकते हैं सब लोग। जैसे कि एक एग्जांपल हमें इसमें दिया हुआ है कि ऑफिस में कंप्यूटर यूज होता है मेंटेन अकाउंट, किसके लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो अकाउंट मेंटेन करना, उसका फिर रिकॉर्ड रखना, वो दोनों काम कंप्यूटर अच्छे से कर लेता है। प्लस उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है और वो एक्यूरेसी भी अच्छी है, एकदम एक्यूरेट आंसर देगा हमें और थकेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हम पूरे दिन 24 घंटे उसमें काम कर सकते हैं। और जो काम हम हाथ से या फिर मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन ये सब हम माइंड से या कैलकुलेटर से करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर से करेंगे तो हम जल्दी कर लेंगे। अब सेकेंड है बेटर सर्विस। विद द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर एट अ रेलवे स्टेशन एंड अ एयरपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ अ टिकट्स हैज़ कम ईजियर। अब पहले हम लोग रेलवे टिकट, एयरपोर्ट और बस टिकट लेने जाते थे तो हम कैसे लाइन में 2 या 3 दिन पहले या मंथ पहले हमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे जाके, या तो 2-3 दिन पहले हमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सब जगह जाके टिकट लेनी पड़ती थी पहले, और रिजर्वेशन हमारे लिए करवाना पड़ता था। पर अब ये सब काम कैसे हो गया है, ऑनलाइन पे या हम पेटीएम पे से या तो डायरेक्ट रेलवेज ने अपने लिए खुद की ऐसी ऐप भी निकाली है जिसकी मदद से हम ऑनलाइन घर बैठे रेलवेज की, एयरपोर्ट की और बस टिकट सब खरीद सकते हैं। अब सेकंड, इन अ बैंक कंप्यूटर आर यूज्ड टू कीप अकाउंट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड देम अ क्विक सर्विस। पहले आज से 10 साल पहले जब बैंक्स में हम लोग पैसे भरने जाते थे तो वो डिपॉज़िट होने में थोड़ा टाइम लगता था, विड्रॉ होने में भी टाइम लगता था, बट अब इतनी इजी सर्विस हो गई है। हमें किसी को भी, जैसे कि अभी सब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब यूज़ करते हैं, किसके थ्रू होते हैं, बैंक की मदद से ही होते हैं। बैंक में हमारा अकाउंट है तभी होगा, नहीं तो गूगल पे, फ़ोन पे तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। उसकी मदद से हमारी सर्विस कितनी फास्ट हो गई है, उसमें डिपॉजिट भी जल्दी हो जाते हैं और विड्रॉ भी जल्दी हो जाते हैं। किसी को हमें पैसे देने हो तो हम 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किसी से हमें पैसे लेने हो तो 2 मिनट में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन ऑफिस, होटल्स, हॉस्पिटल एंड अदर प्लेस हैव रिड्यूस द वर्क लोड एंड ऑल्सो गिवन अ बेटर सर्विस टू पीपल। अब कंप्यूटर के जो यूज़ हैं वो और कहाँ कहाँ अच्छे हैं, तो ऑफिसेज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, और जैसे कि हमारे स्कूल्स के लिए कोई भी डेटा हमें उसमें एंटर करके साल भर बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद कभी भी लेना हो तो हम उसे ले सकते हैं। कोई भी जगह उसे यूज़ करना हो तो हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक
बहुत अच्छी सर्विस हो गई, जैसे कि ऑनलाइन होटल्स के बुकिंग भी होने लग गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स के भी ऑनलाइन हमें अपॉइंटमेंट मिलने लग गई है डॉक्टर्स के लिए। ये सब चीज़ ऑनलाइन होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए और हमारा वर्कलोड भी कम हो चुका है। अब ये सब क्या है, ये सब बेटर सर्विस में आता है। कंप्यूटर की वजह से ये सारी सर्विसेज हमें पहले से ज़्यादा अच्छी मिलने लगे। कौन कौन सी, तो एक रेलवे स्टेशन की, एयरपोर्ट की, बस स्टेशन की, फिर बैंक की, थर्ड ऑफिस, फोर्थ ऑफिस, होटल, हॉस्पिटल और बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर की वजह से बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। अब थर्ड है एजुकेशन। कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ स्कूल, कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू टीच ऑल सब्जेक्ट। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर इज नॉट ओनली ईजी एंड क्विक बट अ ग्रेट फन टू ऑल। अब अभी ये कोरोना की वजह से हम सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब लोगों को मज़ा भी बहुत आता है पढ़ने में और आप लोगों की पढ़ाई भी नहीं बिगड़ रही है। क्यों? तो किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। वो अगर कंप्यूटर नहीं होता या फ़ोन नहीं होता, ये सब चीज़ आज 2020 में नहीं, 2002 में या 2002 से पहले कभी हुई होती तो हमारा पूरा ईयर बिगड़ जाता। पर अब ये पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आप सब करते ही हो, स्कूल्स में आपके टीचर्स हैं आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब जगह आपको वीडियो निकाल के भेजते हो और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टडी करते हो। आप अभी भी मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो। ये सब किसकी मदद से हुआ? तो कंप्यूटर की मदद से। आप सब सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हो बहुत अच्छे से और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। एक एनिमेशन मिलेगा, सब तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारा फन होता है कंप्यूटर के साथ। फोर्थ है हमारा एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवी और कार्टून एंड इवन प्ले गेम्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू कंप्रेस म्यूज़िक। अब कंप्यूटर में हम गाने भी सुन सकते हैं, फिर मूवी भी देख सकते हैं, कार्टून्स भी देख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। ये सब काम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, कि भाई हमने आज जब बोर हो रहा है तो हमने गाने सुन लिए, फिर मूवी देख ली, या तो फिर हमने कार्टून चला लिया, या तो फिर हम गेम खेलने लग गए। कंप्यूटर्स में बहुत सारी गेम्स आती है, टाइपिंग गेम्स भी आती है। टाइपिंग गेम से हम कंप्यूटर में टाइपिंग सीख सकते हैं। दूसरी गेम्स से अच्छी है ये टाइपिंग गेम्स। अब कंप्यूटर ऑल्सो यूज टू कंप्रेस म्यूज़िक। अब कंप्यूटर अगर सॉन्ग बहुत बड़ा हो तो वो उसे छोटा भी कर देता है और वॉइस भी उसकी क्लीन हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर्स। तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और सब चीज़ों की, तो ऐसे कंप्यूटर की भी एक हिस्ट्री है। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा कि कंप्यूटर आज ही आया है या बहुत सालों पहले से था, या आदि मानवों के ज़माने से था, या कब से था, हमें पता है? अभी तक तो नहीं पता था, आज हम सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कहाँ से यूज़ होना अच्छे से स्टार्ट हुआ है। पहले भी कैलकुलेशंस होती थी, अभी भी कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। तो कंप्यूटर्स प्रॉपर वे में कब डिराइव हुआ कि भाई नहीं, इसे कहते हैं कंप्यूटर और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा, तो वो हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर की मदद से। बहुत से क्वेश्चंस हैं इसमें और आपको इसके लिए सन सबके याद रखने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सन याद रखने के, जैसे कि कोई भी, किसी ने भी आज कोई नया इन्वेंशन किया है तो वो कब किया था, किसने किया था और कौन से ईयर में किया था और कितने टाइम तक, बस कौन से ईयर में किया था और उसका डेफिशिएंसी क्या थी, जिसके वजह से दूसरे चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ी। जैसे कि अब अभी है, हम लोगों ने एक मोबाइल ख़रीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वही कंपनी ने कुछ नया मोबाइल लॉन्च किया, उसके फीचर्स उसने और बेटर कर दिए,
तो ये उसकी डेफिशिएंसी हो गई, मतलब उसमें कमी थी कि भाई वो चीज़ जैसे फ़ोन हैंग होता है या तो फिर कंप्यूटर हैंग होते हैं, उसमें स्टोरेज नहीं हो पाता है, ये सब कंप्यूटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उसे ही सुधार के कुछ नया बनाया जाए तो वो एक दूसरी बनेगी, बनेगा तो कंप्यूटर ही बट एक अलग वे, एक अलग हमें रिजल्ट देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसमें बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज अ बिल्डिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर डिवाइडिंग इनटू सर्वल जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया हुआ है। लेट अस ब्रीफली लर्न अबाउट द डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन। इसमें फर्स्ट है अबाकस। तो अबाकस, थाउजेंड ऑफ अ ईयर अगो मैन डिड नॉट हैव टू मैनी कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन। हज़ारों साल पहले इंसानों को कॉम्प्लिकेशन वाले कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता था, उन्हें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या मतलब कैसे होते हैं ये सब उन्हें नहीं पता था। प्रीमेटिव मैन यूज्ड फिंगर एंड टाउज और पेबल्स फॉर काउंटिंग, बट व्हेन मैन स्टार्टेड ट्रेंडिंग ही फेल्ट द नीड टू अस वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले जैसे कि आदि मानवों के ज़माने में है तो वो उनको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो वो एज अ फिंगर हमें उन्हें काउंट करके बता देते कि जैसे एक पांच लोग रहते हैं, हम लोग तो पांच लोग रहते हैं तो हम ऐसे फाइव फिंगर करके दिखा देते हैं तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये फाइव है। जैसे कि अब हम एग्ज़ाम में किसी ने हमसे चीटिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा, MCQ है, तो हम उसे कैसे वन ए है तो वन, बी है तो टू, थ्री है तो सी है तो थ्री और डी है तो फोर, ऐसे बता देते हैं। फिर जैसे कोई हमें पूछता है कि हमारे घर में कितने बच्चे हैं या तो फिर आज हमने कितनी कौन से आइटम्स खाए, कितने खाए, क्या खाया, तो वो हम छोटे बच्चे फिंगर्स की मदद से बहुत अच्छे से बता देते हैं उन्हें और काउंट। फिर दूसरे पेबल्स, जैसे पत्थर हो, पत्थर की मदद से या तो कोई ऐसी चीज़ों को अरेंज करके वो उन्हें काउंटिंग में ले लेते थे। पर तब तक ठीक था कि उन्हें इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते थे, उन्हें उन्हें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न, ये सब नहीं करना पड़ता था। पर जब ये सब हुआ, जब उन्हें एडिशन करना पड़ा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा और डिवीज़न करना पड़ा, तो टू डू अ सच कैलकुलेशन विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी अबाउट 500 ईयर्स अगो द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइड नो एज अ अबाकस विथ इन्वेटेड इन अ चाइना। तो ये है हमारा अबाकस, ये फर्स्ट कहाँ बना था, तो चाइना में बना था। चाइना के लोगों ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए इसे 5000 साल पहले निकाला था, 5000 साल पहले फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट टाइम ये अबाकस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था फॉर अ कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले क्या यूज़ हुआ था, तो अबाकस। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ था कैलकुलेशन के लिए, तो अबाकस, और किसने किया था, तो चाइना ने। अब ना अबाकस कंस्टेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ वायर फिक्स्ड ऑन अ वुडन फ्रेम। अब अबाकस में होता क्या है, तो ये आपको एक वुडन की फ्रेम दिख रही है, लकड़े की फ्रेम, उसके अंदर रो की मदद से ये सारे बॉल्स जॉइंट कर दिए हैं। द वायर हैव अ मल्टी कलर
मल्टी कलर बीड्स स्ट्रॉन्ग्स ऑन देम सिंपल कैलकुलेशन वेयर। जब हमें कोई सिंपल कैलकुलेशन कर सिंपल कैलकुलेशन सॉरी द वायर्स है वो मल्टी कलर, तो आपको ये दिखाई दे रहे वायर्स मल्टी कलर के ये सारे, ये अबाकस में थोड़े वायर्स थे मल्टी कलर के नहीं है बट वायर मल्टी कलर्स के होते थे इसमें, और ये जो स्टोन्स है ये भी सब मल्टी कलर, ये भी सब आपको कलरिंग दिखाई दे रहे हैं। अब आगे सिंपल कैलकुलेशन वेयर डन वेरी क्विकली बाय अ स्लाइडिंग ऑन द बीड्स अप और डाउन। तो ये इसमें अबाकस में होता क्या था, ये जो आपको ब्लैक वाइट सारे बॉल्स दिख रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो वो ऊपर नीचे होते थे, उसकी मदद से वो लोग कैलकुलेशन करते थे स्लाइडिंग और ना बीड्स, ये स्लाइड करके या तो अप स्लाइड करेंगे या तो डाउन स्लाइड करेंगे। जैसे ये बॉल है इसको अप स्लाउड इसे अप किया तो अप किया डाउन किया, उनके कैलकुलेशंस की मेथड अलग थी। सून द अबाकस बींग्स टू बी यूज इन अ मैनी कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड। जब चाइना ने अबाकस निकाला तब उन्होंने अपने वहाँ के लिए निकाला था कैलकुलेशन करने के लिए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे पूरे वर्ल्ड में अबाकस का यूज़ होने लग गया फॉर अ कैलकुलेशन। अब उसके बाद आया सेकेंड नंबर नेपियर्स बॉन्ड एंड स्लाइडर रूल्स। अब ये इन अ ईयर 1614 अ स्कॉट्च मैथमेटिशियन कॉल्ड जॉन्स नेपियर्स इन्वेंट अ डिराइव फॉर अ डूइंग मल्टीप्लीकेशन, इट वॉज नो अ नेपियर बॉन्स। अब नेपियर ने कब किया, तो 1614 में। उसका नाम क्या, वो क्या थे, स्कॉट्स के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने उनका नाम था जॉन्स नेपियर्स, उन्होंने इन्वेंट किया डिवाइस किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसे कहा क्या जाता है नेपियर बॉन्स। अब नेपियर्स बॉन्ड वॉज अ सेट ऑफ अ रोड कर्ड फ्रॉम बॉन्स, इच रोड हैड फोर फेस। हर एक ये जो आपको डंडा जैसा एक दिखाई दे रहा होगा, तो जब हम कोई गोल होता है, कोई भी चीज़ गोल होती है तो उसमें पता नहीं चलता, बट वो रेक्टेंगुलर हो तो हमें पता चलता है कि उसकी फोर साइड्स हैं। तो इसमें यही लिखा गया है कि कर्व फोर फेस थे उसके, फोर साइड थी। द नंबर 0 to 9 वेयर मार्क्ड ऑन देम इन अ सच अ वे दैट यू कुड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय प्लेसिंग द रोड्स साइड बाय साइड। अब इसमें नंबर्स कुछ ऐसी तरीके से लिखे हुए थे, यहाँ रोड्स में भी आपको दिखाई दे रहे हो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर यहाँ भी आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो ये रोड्स को ऐसी तरीके से अरेंज किया हुआ था कि आप इसे साइड बाय साइड, मतलब जैसे कि हमने ये फर्स्ट साइड है, अब इसको टर्न किया तो इसकी सेकेंड साइड, फिर टर्न किया तो थर्ड साइड, ऐसे सब साइड्स में साइड बाय साइड करके उसकी हमें जल्द फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते थे। इंस्पायर बाय नेपियर बॉन्स एंड इंग्लिश मैथमेटिशियंस कॉल्ड विलियम आउट्रेड इन्वेंट अ डिवाइस इन द ईयर 1620। इट वॉज अ कोल्ड स्लाइडर रूल। अब स्लाइडर रोल में क्या था, अ स्लाइडर रूलर कनेक्टिंग ऑफ अ टू स्केल रूलर्स वन फिक्स्ड ओवर द अदर
these two rulers slide along each other, so that multiplication, division, and even more complex calculation can be easily, quickly, and accurately done with the help of a number mark on them. Before electronic calculation used invented for about 300 years, scientists and mathematicians used the slide rules. अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जो नेपियर बॉल्स था वो किसके लिए यूज़ होता था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के लिए. किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के लिए. तो इसकी कुछ खामियां हो गई कि भाई अब ये तो सिर्फ यूज़ होगा हमारे. अब नेपियर के कुछ डेफिशिएंसी हो गई, तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के लिए ही यूज़ होगा. तो अब इसमें हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर नहीं सकते थे, तो इंग्लिश मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसको छोड़ दिया कि भाई नहीं, उसको पकड़ के रखा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी हम डिवाइस बनाए उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन सब होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और या सिर्फ डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए. तो उसने क्या किया, स्लाइड रूलर बनाया. तो स्लाइड रूलर में हुआ क्या, स्लाइड रूलर में हम सब कर सकते थे. जैसे कि यहाँ आपने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन, और वो भी एकदम एक्यूरेटली. ये सारे काम हम उसमें एकदम एक्यूरेटली कर सकते थे. जब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं इन्वेंट हुआ, मतलब कि 300 साल तक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने स्लाइड रूल का यूज़ किया था. कितने टाइम तक, तो 300 साल तक. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कब तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका यूज़ हुआ था. 300 साल कोई कम बात नहीं है. इसमें ये लोग, इसमें साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन सब कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे होता था, इजीली एंड क्विकली. तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर. ये दो ही मैंने अभी चलाए हैं, आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ये है पास्कलाइंस, इसका हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.